हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी बाइक का फुल टैंक क्लीन कर सकते हैं और फुल टैंक क्लीन क्यों करवाना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो होता यह है कि जब भी हम अपनी बाइक में फ्यूल फिल करवाते हैं या फिर और किसी रीज़न से कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे फ्यूल टैंकी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं, और किस तरह के डस्ट पार्टिकल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि इसके अंदर भी इंसर्ट कर जाते हैं और फ्यूल के साथ मिक्स होके कार्बोरेटर में सप्लाई हो जाते हैं, जिससे कार्बोरेटर प्रॉब्लम करने लगता है और बार बार उसको क्लीन करवाना पड़ता है। तो पाइप के थ्रू पास करते हुए वो फ्यूल इसमें चला जाता है और कचरे की वजह से इसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को आप अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक कट करके उसमें सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन होता यह है कि सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर में भी कुछ पार्टिकल रह जाते हैं और कुछ पार्टिकल इसको पास कर जाते हैं और आपकी कार्बोरेटर में सप्लाई हो जाते हैं। तो एक बार आपको फुल टैंक क्लीन करना पड़ता है। तो फुल टैंक क्लीन कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फुल टैंक क्लीन करने के लिए आपको अपनी बाइक का सबसे पहले साइड पैनल ओपन करना है, उसकी सीट रिमूव करनी है। सीट रिमूव करने के बाद उसमें जो टैंक कनेक्शन रहता है उसको रिमूव करना है और अपने बाइक के टैंक को बाहर निकालना है। तो टैंक कनेक्शन कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक नट लगा हुआ है, इस नट को ओपन करेंगे। इस नट को ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे 12 नंबर का पाना, 12 नंबर स्पिनर से इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके नीचे फ्यूल मीटर का सेंसर लगा रहता है जिससे आपका फ्यूल मीटर पेट्रोल डिटेक्ट करता है। ये सेंसर का कनेक्शन रहता है, तो इस सॉकेट को निकाल देंगे। उसके बाद जो फ्यूल पाइप रहता है कार्बोरेटर की सप्लाई का पाइप, उसको रिमूव करेंगे। तो इसके स्विच को ऑफ कर देंगे और इस पाइप को रिमूव कर लेंगे और फिर टैंक को रिमूव कर लेंगे बाइक से और उसको फुल क्लीन करेंगे। सारे जो डस्ट पार्टिकल हैं उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से टैंक को वापस ये निकाल लेंगे इस तरह। तो ये रहा बाइक का टैंक, तो इसको क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके नीचे आपको दिख रहा है ये जो ऑन ऑफ का कनेक्शन रहता है, स्विच रहता है, यहीं से क्लीन करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, सारे पेट्रोल को बाहर निकालेंगे किसी कंटेनर में और पेट्रोल के साथ ही जो डस्ट पार्टिकल सप्लाई हो रहे थे वो निकल आएंगे। तो इस तरह का कुछ कंटेनर लेंगे जिसमें पेट्रोल को निकाल लेंगे बाइक के टैंक से। तो इसको निकालने के लिए ये जो स्विच रहता है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें यूज़ होगा 10 नंबर का पाना, 10 नंबर के स्पैनर से इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ दो नट लगे रहते हैं, उन दोनों को निकाल लेंगे। तो ये जो स्विच कनेक्शन है ऑन ऑफ का, ये निकल आएगा और जो पेट्रोल निकलेगा इससे तो ये सारा कंटेनर में आ जाएगा और पेट्रोल के साथ में ही जो कचरा, जो डस्ट पार्टिकल पाइप के थ्रू सप्लाई हो रहे थे कार्बोरेटर में, वो सारे इसमें आ जाएंगे और आपका जो टैंक है वो अंदर से पूरा क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, सारे पेट्रोल को आप किसी कंटेनर में निकाल लें तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल भी निकल आएंगे। जब आपके कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आने लगे और बार बार उसको क्लीन करवाना पड़े, तो एक बार आप अपनी बाइक का फुल टैंक क्लीन इस तरह कर सकते हैं और सारे डस्ट पार्टिकल को अपने फ्यूल टैंक से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी बाइक के टैंक से सारा पेट्रोल निकाल लिया है और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको निकालने का जो तरीका रहता है उसको आप देख लें ज़रा सा, उसको थोड़ा सा आप शेक करते जाएँ, थोड़ा सा मूव करते जाएँ टैंक को, जिससे सारा जो पेट्रोल है और उसमें जो सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं वो सारे आपके कंटेनर में निकल आए और आपकी क्लीनिंग अच्छी तरह हो। तो यहाँ आपको कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ फ्लैश से दिखा देता हूँ। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी बॉटम में कुछ स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल हैं जो कि फ्यूल टैंक से निकले हुए हैं और यही पार्टिकल पाइप के थ्रू सप्लाई हो रहे थे कार्बोरेटर में और कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आ रही थी और बार बार उसको क्लीन करवाना पड़ रहा था। तो इस तरह अपनी बाइक के टैंक को आप फुल क्लीन कर सकते हैं, सारे पेट्रोल के साथ कचरा भी निकल आएगा और उसको और इसको भी आप क्लीन कर लें अगर इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह रहते हैं। तो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लगा देंगे 10 नंबर के पाने से, इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे जिससे किसी भी तरह की पेट्रोल की लीकेज ना हो। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह लगा देंगे और अपनी बाइक में टैंक को वापस इंस्टॉल कर देंगे तो आपका जो फुल टैंक क्लीनिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टैंक क्लीन हो गया है पूरा और इसको आप बाइक में लगाने वाले हैं। तो बाइक में कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो टैंक को अपनी बाइक में इस तरह लगा देंगे जिस तरह निकाला हुआ था,
और सारे कनेक्शन कर देंगे। ये कनेक्शन है फ्यूल सेंसर का, ये फ्यूल सेंसर का सॉकेट ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद टैंक को अपनी पोजीशन पर रख देंगे, ये रख दिया। इसके बाद स्विच कनेक्शन कर देंगे, पाइप कनेक्शन कर देंगे स्विच से, ऑन कर देंगे। और उसके बाद जो इसके ऊपर जो नट लगा हुआ था ये, इसको लगा देंगे, इस नट को लगा देंगे और 12 नंबर के पाने से इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। इसके बाद बाइक में सीट और साइड पैनल लगा लेंगे वापस और आपकी फुल टैंक क्लीनिंग का काम पूरा हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। साथ ही में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।